फ्रेश गार्लिक चटनी। हाय वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ जाई और आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश गार्लिक चटनी। चलिए नोट करते हैं इसकी सामग्री। फ्रेश गार्लिक चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा हरे लहसुन का बंच, 4 से 5 बड़े चम्मच धनिया रफली चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच दालिया। चलिए सबसे पहले हम ये फ्रेश लहसुन ले लेते हैं और इसे रफली चॉप कर देंगे। ये लहसुन की पत्तियां हमने चॉप कर ली हैं, अब हम इसे भी चॉप कर लेते हैं। चलिए अब लहसुन चॉप हो चुका है, अब हम लेंगे अदरक और इसे भी मोटा मोटा काट लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। हरी मिर्चों को भी ऐसे ही काट लेंगे। चलिए अब हम ये मिक्सी के जार में ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरे धनिए के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, नमक, दालिया, नींबू का रस और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। चलिए हमारी अब ये चटनी अच्छी तरह से पीस चुकी है, ये देखिए फ्रेश गार्लिक चटनी तैयार है। इसे गर्मा गर्म बाजरे के रोटी के साथ परोसिए।